बैठे रहे इधर ही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूं और आज मैं आपको एक बड़ी ही ख़ास चीज़ दिखाने वाला हूं और एक बड़े ख़ास शख्स से मिलवाने वाला हूं। मैं इस वक्त एक छोटे से, इसको आप मिनी ट्रक कह सकते हैं, छोटा सा ट्रक है। इंटीरियर आप देख लें, ये बड़ा ज़बरदस्त इंटीरियर ट्रक आर्ट हुई हुई है और बहुत अच्छे से जो है इसको डेकोरेट किया गया है अंदर से भी, जैसे ओरिजिनल ट्रक होते हैं। लेकिन बड़ा छोटा सा ट्रक है, आपने इसकी छोटी सी वीडियो देख ली होगी जो मैंने शुरू में लगाई है। ये ट्रक बनाने वाले जो मुदस्सर भाई हैं, ये मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे ज़रा पूछते हैं इन्होंने ये ट्रक क्यों बनाया है, ख्याल कैसे आया है और सारा जो है ज़रा इनसे पूछते हैं कि चलता कैसे और कितने लंबे उस तक सफ़र करता है और क्या कुछ उठा भी सकता है या वैसे ही बनाया हुआ है। मुदस्सर भाई, एक तो पूरा नाम आपका? मुदस्सर जट। अच्छा मुदस्सर भाई, ताल्लुक किधर से है? मेरा फैसलाबाद से ताल्लुक है जी। मुदस्सर भाई, ये कैसे ख्याल आया ये ट्रक बनाने का? ट्रक आपको अच्छे लगते थे बचपन से या क्या क्या मामला क्या था? नहीं, ट्रकों से तो मुझे बचपन से शौक था। मैं गत्ते के हो गए, लकड़ी के हो गए, मैं इकट्ठी करके बनाता था। तो बाद में मुझे पता चला कि ये हमारी सकाफत है, हमारी पहचान है। तो वो कहने की जो मेरा शौक था वो जुनून में बदल चुका जी। ओके। तो इसीलिए मैंने पहले मॉडल बनाते थे, फिर मैंने एक 4 फुट बड़ा ट्रक बनाया। अच्छा। जिसके ऊपर बच्चा बैठ के खुद भी चला सकता था, रिमोट के साथ उसको ऑपरेटर ऑपरेट भी कर सकता था। ओके। वो हमने मुख्तलिफ शॉपिंग मॉल में चलाए, सफा सेंटर गीगा में, तो लोगों ने बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया। अच्छा। उसके साथ उनके पेरेंट्स भी बहुत ज्यादा पसंद करते थे। तो मैं उसी वक्त से सोच रहा था, मैंने कहा कोई ऐसी चीज बनाए जिसपे बच्चे भी और बड़े भी बैठ के एंजॉय कर सकते और वो हो ट्रक। अच्छा। तो हमने एक डबल डेकर अमेरिकन बस देखी, तो उसी से मुझसे ख्याल आया। मैंने कहा इसके ऊपर भी बैठ सके और नीचे भी बैठ। अच्छा, ये डबल डेकर है? ये डबल डेकर है जी। 10 लोग ऊपर बैठ सकते हैं और तकरीबन कोई 5 से 6 लोग नीचे बैठ सकते हैं। अच्छा अच्छा। अगर टोटली बात आसान लफ्जों में की जाए तो ये तकरीबन कोई 16 सीटर ट्रक है जी। अच्छा अच्छा जी। अच्छा अच्छा अच्छा। और ये थोड़ा सा इसके बारे में बताइएगा। देखें, इतना मिनी ट्रक तो यार, तो इसका इंजन, चेसिस वगैरह, ये पेट्रोल पे चलता है, बिजली से चार्ज होता है, किस तरह ये कितना एक देर चल जाता है? ये पेट्रोल से तो इसका कोई ताल्लुक नहीं। आपको पता है कि अभी काफी सारे जो तरक्की याफ्ता मुआलक हैं वो पेट्रोल पे खुदा हाफिज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक पे आ रहे हैं। तो इसके अंदर भी हमने जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की है, जो चाइना से हमने परचेज की है। जो टायर है इसके हमने बड़े रक्षे के लगाए हैं। ओके। और जो फ्रेम है वो हमने खुद बनाया, बाकी चीजें मैंने खुद डिजाइन की है सारी जी। और ये इलेक्ट्रिक पे? ये फुल इलेक्ट्रिक है। ये तकरीबन 9 घंटे लेता है चार्जिंग को जी। उसके बाद तकरीबन कोई 30 से 35 किलोमीटर चलने की कैपेसिटी रखता है जी। और ये 30 से 35 किलोमीटर विद लोड चल सकता है? विद लोड चलता है। इसका अपना वजन 18 मान है जी। अभी तक जो इसके ऊपर हमने रोड टेस्टिंग पे डाला है वो तकरीबन कोई 14 से 15 मान डाला है जी। अच्छा, 14 से 15 मान डाला और ये उस पे चलता है। आसानी के साथ ये चढ़ाई है, छोटी मोटी, आपको पता है जो रोड्स में होती है, रोड के अंदर चढ़ाई है ना, ठीक है, उतराई है, चढ़ाई है, वो सब उसने बड़े कह लेंगे जिस तरीके से एक गाड़ी चलती है उसी तरीके से ये चला जी। अच्छा, और क्या मतलब ये आपने बना लिया, मैं देख रहा हूँ इसमें सारा सिस्टम भी लगा हुआ है, टेप रिकॉर्ड वगैरह भी और MP3 लगा हुआ है, लाइट्स लगी हुई है, सारा कुछ। एक तो आपका मकसद जाहिर है, आपको शौक था। दूसरा, क्या इसको कोई थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करके, कुछ बेहतर करके इसको कोई बड़े लेवल पे भी चलाया या बनाया जा सकता है कि जी आप कहें कि जी कोई और बनवाया आपसे, या इस तरह कोई है, या वैसे अपने शौक के लिए बनाया? मैंने पहले तो अपने शौक के लिए बनाया था, फिर हमारा बिजनेस बन चुका है। अभी हम जो चलाएंगे गीगा मॉल में, हम अपने बलबूते पे कह रहे हैं कि हम इंशाल्लाह कराची भी जा रहे हैं। अच्छा। इंशाल्लाह कराची में भी हम चलाएंगे। हमारा दूसरा ट्रक तैयार हो रहा है, वो भी तकरीबन 10 से 15 दिन में तैयार हो जाएगा। हमारी बात चल रही है अभी, तो हमारी इस्लामाबाद में गीगा मॉल में बात चल रही है, वो इंशाल्लाह क्लियर हो चुका है। तो इंशाल्लाह हम कुछ दिन में ही इसको वहां पे चलाएंगे। कराची में हमारी लकी वन में मॉल में बात चल रही है। इंशाल्लाह हम पाकिस्तान में कोशिश करेंगे कि पूरे शहरों में हर पार्क में इसको चला सकें, और हमारी कोशिश होगी कि हम, क्योंकि ये हमारी पहचान है, जाहिर जो बैठता है वो बिल्कुल पूरी दुनिया में पाकिस्तान का ट्रक काट मशहूर। हमारी कोशिश है कि हम इसको दुनिया भर में लेकर जाएं। अच्छा अच्छा जी। अच्छा अच्छा। और ये आपका यही है कि बच्चों को इसमें आपने चक्कर, जैसे मॉल्स में देखते हैं बच्चे इलेक्ट्रिक गाड़ियों पे बैठ के, जी जी, तो वही इसका पर्पस जो मेन है, वो मेन पर्पस यही है जी। अच्छा अच्छा अच्छा।
और बाकी आपको तो काफी रिस्पांस आया होगा, कोई हुकूमत की तरफ से कोई किसी ने रब्ता किया हो कोई ऐसा? नहीं नहीं, हुकूमत से तरफ से तो नहीं है, लेकिन हमारे जो ये अदारे हैं PNC हो गया, लोक विरसा हो गया, अच्छा अच्छा, जो उन्होंने किया है कि आप आए हमारे पास, हम आपको अप्रिशिएट लेटर देते हैं, अच्छा, आपको शील्ड से नवाजते हैं, तो अभी उनके DG साहब ने रब्ता किया है, तो अभी इंशाल्लाह थोड़ी देर में हम PNC जाएंगे, आर्ट एंड क्राफ्ट जो प्रमोट करता है हमारा अदारा, सरकारी अदारा है, तो इसके बाद इंशाल्लाह हम लोग विरसा जाएंगे, तो इनका बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया जी। हाँ, जाहिर है। और कोई किसी ने, जैसे होता है बाज़ दफ़ा के जी कोई नाम शिनाम या किसी ने बुलाया हो हुकूमत की सतह पे, कोई ऐसे नहीं? हुकूमत की सतह पे तो ऐसा नहीं है, इंशाल्लाह उम्मीद है कि बहुत जल्द। हाँ जाहिर है, अभी क्योंकि वो ज्यादा लोगों को पता भी नहीं है। और ये टोटली इसका फ्रेम, इसकी सारी जो बॉडी है, ये आप लोगों ने खुद डिजाइन की है और बनवाई भी खुद ही है? जी जी जी, मैंने खुद डिजाइन की है सारी, पहले डिजाइन करते हैं, पेपर वर्क करते हैं, उसके बाद फिर इस पे कंप्लीट काम शुरू करते हैं जी। ठीक है, बस मुदस्सर भाई, एक तो आपके लिए बहुत ज्यादा एप्रिसिएशन, आपने बड़ा जबरदस्त काम किया है, बहुत शुक्रिया। और पाकिस्तान, इसमें कोई शक नहीं है कि ट्रक कार्ड जो है वो पाकिस्तान की पहचान भी है, ऐसा ही है, और आपने जो है इसको एक छोटे से मिनी ट्रक में जो है, और वो भी इलेक्ट्रिक ट्रक में बदला है, तो मुदस्सर भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। ये मैं मुदस्सर भाई के साथ मौजूद था, मैं थोड़ा सा चाहूंगा कि मैं आपको इस ट्रक को थोड़ा सा दिखा सकूं कि ये है क्या। आपको नजर आ रहा है कि ये ट्रक बकायदा तौर पे जैसे नॉर्मल ट्रक्स होते हैं अंदर से, अगर आप लोगों ने तो कभी शायद ट्रक में कम ही लोग बैठे होंगे, लेकिन हमें अंदाजा है क्योंकि ट्रक्स अंदर से पाकिस्तान जो है ट्रक कार्ड, इसमें बकायदा तौर पे सारा जो है वो MP3 और जितने भी सिस्टम्स वगैरह हैं वो लगे हुए हैं। और बाकी मैं थोड़ा सा चाहूंगा कि जैसे मुदस्सर भी बता रहे थे कि ये शायद डबल डेकर है, और ये पीछे देखें सीट, ये बता रहे थे कि जी सीट इसकी जिससे जो है, और ये डबल डेकर है। मैं कोशिश करता हूँ ऊपर जाके भी आपको दिखा देता हूँ कि इसमें तकरीबन ऊपर भी ये इसका ऊपर का जो है पोर्शन है, और इसमें बकायदा तौर पे सीट्स हैं और सीट बेल्ट्स भी लगाई हुई हैं। ये मैं ट्रक के ऊपर मौजूद हूँ, जैसे जो लोग ट्रक्स को जानते हैं उनको पता है कि ट्रक के ऊपर बॉडी के ऊपर एक आगे पोर्शन होता है, उसको आई थिंक टूल कहते हैं, तो ये भी इसका है। और ये खूबसूरत जो है आर्ट का नमूना है, इसमें कोई शक नहीं कि मेहनत की गई इसके ऊपर और बड़ा इसको खूबसूरती से तैयार किया गया है। ये है पाकिस्तान की वो टैलेंट जो बदरजा अख्तम जो है वो पाकिस्तान में मौजूद है, और लोग जो है इसको बकायदा तौर पे, लेकिन एप्रिसिएशन बड़ी ज़रूरी है इन लोगों की जो लोग ये काम करते हैं। जाहिर है